मैं और मम्मी बस में बैठ चुके हैं और बस अभी पूरी खा ली है। पापा की जरूरत नहीं है क्या? बाय बाय मम्मा। पार और देखो मम्मा की जरूरत नहीं है। बाबू मम्मा से बता दीजिए कि आपकी आने की खुशी में अभी ननद पड़ी है। हाँ। ननद तो जब वह तेरे बना रहे थे ना। हाँ। तब मुंह में चाकी थी। पार्थ बताइए टेस्टी है? टेस्टी है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोना के आंगन में। तो दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए और आज मम्मी भी जा रही हैं, गांव जा रही हैं। एक्चुअली उनको अर्जेंट काम था, मामा जी का फ़ोन आया कि काम है कुछ तो आ जाओ, तो वो इसीलिए जा रही हैं और मैं स्कूल जा रही हूँ। और आज ये हमारे पति देव हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है पूरे दिन बाबू को संभालना। तो वैसे जब सभी लोग घर पर रहते हैं तो संभालना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आज ना मम्मी रहेंगी ना मैं रहूँगी। वैसे शाम तक मैं आ जाऊँगी, मम्मी भी आ जाएंगी, बट जो 5-6 घंटे बीतेंगे वो देखने वाला है कि ये कैसे संभालते हैं बाबू को। संभाल लोगे? चलिए देखते हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये नाश्ता कर चुके हैं। आज हम लोगों ने बनाए थे नाश्ते में आलू की पूड़ी बनाई थी और मम्मी ने बेल दी थी, मैंने फटाफट निकाल ली। उसके बाद हम लोग तैयार होने लगे और हस्बैंड भी नहा धो चुके हैं, सब कर चुके हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस बाबू को संभालना है इनको और दूध बना के देना है, और अगर बाबू पोटी करेगा तो पोटी साफ करनी है यही सब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, नाश्ता कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग निकलते हैं और उज्जवल खा रहे हैं जलेबी। क्या खा रहे हैं? जलेबी। पार्थ सो रहे हैं। ओह, अरे बाप रे, मम्मी निकल चलो। और चलिए हम लोग निकलते हैं। मम्मी तैयार हो चुकी, मम्मी उज्जवल को पानी दे रही हैं। तो चलो उज्जवल, स्कूल निकल जाना, शाम तक आएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम चलते हैं। बाय बाय, चलिए निकलते हैं। और सुबह ही सुबह बहुत तेज धूप हो जाती है। तो मैं और मम्मी बस में बैठ चुके हैं और बस अभी पूरी खा ली है, इतना दिक्कत समझ में बैठी हुई है। तो दोस्तों, मैं बस से उतर चुकी हूँ और मैंने लगा लिया है छाता। और बस स्टॉप पर कौन मिल गई थी? ये दीदी आंगनबाड़ी वाली। हेलो बोलिए। हेलो, हाय। तो ये मिल गई हमको, तो मम्मी गांव चली गई, हम यही रास्ते अपने स्कूल वाले बस स्टॉप पर उतर लिए और अब हम लोग लेफ्ट राइट करते हुए जा रहे हैं स्कूल। और अब मैं आपसे स्कूल से वापस छुट्टी के टाइम मिलूंगी, जब स्कूल से निकलूंगी तब। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और मैं निकल चुकी हूँ। और वो देखिए, पीछे दीदी आ रही है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है और मुझे पकड़नी है बस। तो मैंने कहा कि मैं आगे आगे चलती हूँ जल्दी जल्दी, वरना मेरी बस निकल जाएगी, फिर बहुत देर में बसें आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घर पहुँच के मिलते हैं। पार्थ और उनके पिताजी वेट कर रहे होंगे, उज्जवल भी वेट कर रहे होंगे। आज तो वैसे मैंने कॉल की थी, लेकिन परेशान नहीं किया था पार्थ ने, और पोटी वोटी की थी तो वो भी साफ़ कर दिया था। चलिए घर पहुंच के एक्सपीरियंस उनसे पूछते कि आज के दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, क्या अनुभव रहा पार्थ के साथ। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और घर के पास ही हूँ एकदम। तो चलिए पार्थ और उनके पिताजी को देखते हैं। और उज्जवल शायद छत पे हैं, पता नहीं उज्जवल है कि कोई और है। तो चलिए
मुझे लगता है वो नीचे टहला रहे हैं पार्क को। चलिए दिखाते हैं आपको। वो देखिए, ये हमको लगता है नीचे ही खेल रहे हैं ये लोग। आज उज्जवल की भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि इनके फुफा जी रहते हैं तो उज्जवल की भी बल्ले बल्ले ही रहती है। बाबू कौन आ गया? क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कोई इंटरेस्ट नहीं मम्मा, कोई इंटरेस्ट नहीं। और कल तुम्हारे पास नहीं आ रहा था ना? मम्मा को बाय करिए। बाबू इधर गाड़ी लेके चलो, देखे रहना। बाबू मम्मा को बाय करिए। देख रहे हैं आप, कल कल जब ये आए थे तब जो है ना ये इनको नहीं पहचान रहे थे, अब हम बाहर चले गए तो हमको नहीं पहचान रहे। ये दे ओए भैया, मम्मा की जरूरत नहीं है क्या? बाय बाय मम्मा। पार और देखो, मम्मा की जरूरत नहीं है। बाबू मम्मा से बता दीजिए कि आपकी आने की खुशी में अभी अभी हमने पोटी की है। अभी अभी जस्ट पोटी करी है मैंने। चलिए आते ही आते पोटी साफ करें, उसके बाद में कुछ करें। तो आके रूम में बैठी ही हूँ। और अम्मा जी नहीं आई हैं इनके साथ? अम्मा जी नहीं आई हैं, अम्मा जी कल आएंगी, क्योंकि अम्मा जी को कुछ ज़रूरी काम था तो वह काम आज हो नहीं पाया है, तो मम्मी कल आएंगी। और ये पार्थ के पिताजी पार्थ को पानी पिला रहे हैं। अबुआ जी ये देखिए, हम एक गिलास हमको भी पिला दो। गिलास हमको भी पिला दीजिए। चलो चलो हैंड वॉश करें, उनकी पोटी साफ करें कर ले। पहले उनकी पोटी साफ की जाए। ऊपर निकाले थे कि अभी बुआ जी डंडा लेके आ रही है। तो शरारत कर रहे थे, डंडा पड़ेंगे ही क्यों? बाबू बस मैं थोड़ा पीऊंगा। अब उज्जवल पीने जा रहे हैं। वाह देखे, चुम्मू दे दो मम्मा को। मम्मा को चुम्मू दे दो। चुम्मू दे दो बाबू, दे दीजिए थोड़ा सा। अच्छा मांग रही है बाबू, मांग रही मम्मा, चुम्मू दे दो थोड़ा। मांग रही दे दो बाबू थोड़ा, चुम्मू दे दो मम्मा। अरे पुप्पा जी वो डाल दीजिए चुम्मा। पिताजी पार्क की पोटी साफ कर रहे हैं, बोले कि रहने दो मैं साफ कर दे रहा हूँ, और तू अभी अभी आई हो चाय बनाओ और मैं साफ किए दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। चलिए जब तक पोटी साफ कर रहे हैं तब तक मैं चाय हैंड वॉश करके चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी और पूजा करूंगी। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चाय बना के मैं ला चुकी हूँ, और उसके साथ मैंने, अरे रुक जाओ बापू, ये देखो क्या कर रहे हैं इनको खाना। और उसके साथ जो आलू की पूड़ी बनाई गई थी सुबह वो रखी हुई थी, उसको मैंने गर्म कर लिया क्योंकि भूख बहुत तेज है। और हम अपने बाबू को आलू की पूड़ी खिलाने जा रहे हैं। ये देखो ऐसे खाया जाता है। ऐसे खाया जाता है, ऐसे देखो ऐसे। और यहाँ काटो खा रहे हैं, और इधर भी ध्यान दे दो, इधर भी। हमको तली हुई हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमको हरी मिर्च अच्छी लगती है। एक बार काई मुंह में आग लग गई तो संभाल लेना, मुंह खोले रहोगे। हरी मिर्च खा के अगर मुंह में आग लग गई तो समझ लेना पूरा। इनको पता है उज्जवल को, कोई किसी चीज में अगर हरी मिर्च इनको दिख गई, तीखा भले ना हो है ना, लेकिन इनको जो है ना तीखा तुरंत लगने लगेगा। दो अगर बुआरी मुंह में मिर्ची के आग लग गई तो समझ लीजिएगा पूरा अंदर का मुंह और दांत सब जल जाएंगे। अजीब भी जल रहे। उज्जवल मिर्ची नहीं खाते हैं। दोस्तों सुना आपने क्या कह रहे हैं? और जैसे भी जैसे जैसा हमारे मिर्च मतलब बगल में क्या कह रहे हो? जैसा हमारा वो तैरी गाल है, इसने नस पड़ी है। हाँ। ना तो जब वो तैरी बना रही थी ना।
ना तब मैं मुंह में जाके थी तो मुंह खोला था और फिर जाके पानी पिया। गम गम है। अच्छा तो इनके मुंह में आग लगी थी लेकिन बुझ गई। ये कह रहे हैं उज्जवल कह रहे हैं अगर मिर्च खा जो कोई खाएगा है ना उसके मुंह में अगर आग लग गई तो फिर उसको पता चल जाएगा। और हरी मिर्च में भी आग लग जाती है। हरी मिर्च में भी आग लगती है, लाल मिर्च में भी लगती है, हरी मिर्च में भी लगती है। वो कार्टून में दिखाते नहीं एकदम से कान से एकदम आग निकलने लगी सर एकदम लाल हो गया वही ये बोल रहा है। चलिए चाय पी लेते हैं उसके बाद में नहा के पूजा करनी है फिर रात के डिनर में देखते हैं क्या बनाना है। तो गुड़िया तुम नहा के पूजा करके चलोगे सब्जी लेने की पहले सब्जी लेने चलोगे? फटाफट नहाइए फटाफट नहाइए। लोग चल दिए हैं कहाँ पे? अरे रोड ब्लॉक है, मारंग पड़ी हुई है। लाइट आ गई, देखो सब लोग इधर देखो। भाजी वो पिज्जा बनना है। हाँ ये पिज्जा बनना है, पिज्जा खाना है? आज घर में खाएंगे? नहीं पिज्जा अगली बार ट्राई करेंगे, आज तो पता चला है कि पिज्जा भी बनना है ना। टेस्टी है पानी पूरी? अभी नहीं नेक्स्ट बार। बाप टेस्टी है पार्थ बताएंगे टेस्टी है कि नहीं। पार्थ बताइए टेस्टी है, टेस्टी है बताइए, बोलिए टेस्टी है। तो सब्जी वगैरह लेने के बाद में हम लोगों ने मोमोज खाए और उज्जवल ने दही चटनी वाली पानी पूरी खाई और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ क्लिनिक पे। पार्थ को नेबुलाइजर लगवाना था तो इस वजह से यहाँ आए हैं। और अरे डिनर विनर बन गया तुम्हारा? रेडी हो गया? बन गया है, लाओ खिलाओ यार। निकाल के लिए आया, दूध गर्म हो जाए बापू का इसलिए खड़े थे। दूध गरम तो हो गया, दूध भी बॉयल हो चुका है और आज मैंने बनाई है डिनर में। ये तो ब्रेकफास्ट है लेकिन आज हम लोग डिनर में खा रहे हैं वेजिटेबल मैगी। तो सारी सब्जियां डालकर मैंने मैगी बनाई है स्पाइसी जो कि मेरे हस्बैंड जी ने कही थी। तो यही हम लोग डिनर में करेंगे और अभी मार्केट से आने के बाद में तो उन्होंने कहा कि यही बना लो क्योंकि दो आलू की पूड़ियाँ भी रखी हुई थी सुबह की तो उसको भी हम लोग खाएंगे और इसको। तो अब हम लोग डिनर कर लेंगे और थके बहुत हैं तो चुपचाप सो जाएंगे, पार्थ सो चुके हैं। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं और यहीं पे ब्लॉग का एंड भी करते हैं। ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।